35 साल से बहुजन विकास आघाड़ी को हराने के लिए प्रयास तो चल रहे, उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है, ना उन्होंने कोई विकास के काम किए हैं। तो कैसे विकास करेंगे, सत्ता किसके हाथ में? तो जनता जनार्दन चाहती है कि हितेंद्र ठाकुर जी राज करे। हाँ। ठाकुर साहब, हमारे हितेंद्र ठाकुर साहब जो बोलते हैं वो काम करते हैं, और जो नहीं बोलते वो भी करके दिखाते हैं। तो आप उनके चक्कर में क्यों गिरे हो? कोई नहीं है ठाकुर के चक्कर में। आमदार यहाँ पे वही है, तो पूरी जनता, जो जनता जिनको वोट देगी उनके चक्कर में पड़ेगी ना, जिनको वोट नहीं देगी, चिन्हें जिनके नहीं लाए चक्कर में कैसे पड़ेगी? विकास का मुद्दा ही लेके विरोधक बात कर रहे हैं, कौन सा विकास नहीं? सत्ता आपके हाथ में, सत्ता है तो हमारे युवा आमदार ने कहा ना कि फेस टू फेस बैठी है, कौन सा विकास आप आंसर कीजिए, हम उसके क्वेश्चन देते हैं, आंसर कीजिए हम उसके क्वेश्चन देते हैं, आंसर कीजिए हम उसके क्वेश्चन देते हैं, आंसर कीजिए हम उसके क्वेश्चन देते हैं। तीन आमदार पूरे महाराष्ट्र राज्य नहीं चला रहे कि केंद्र नहीं चला रहे, विराट चला रहे, वसई विराट चला रहे थे, एक छोटी सी महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका 3,000-4,000 करोड़ वाली महानगर पालिका है, उधर की दुर्दशा क्या है वो बताए ना, उंगली मेरे तब एक कर रहे हैं। छोटी सी महानगर पालिका में लगभग 20 लाख के ऊपर की आबादी है, वो इनका काम है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं ना, पानी क्यों नहीं है? इसके पहले पानी कैसा था? कोई जॉब कोविड के बाद पानी गायब हो गया क्या? मनीष जी, पानी की समस्या आज की नहीं है, 90 समस्या पानी की है। पहले लोग बाड़ू से जाके पानी लेके आते थे, आपके चंदन सार से, आपके नारंग। हाँ, 2 रुपए अंडा पानी मिलता था, आज लाना पड़ता है कि आज आप पानी लाई हूँ, बहुजन की गंगा, घर घर में पानी है। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पश्चिम में बीएमसी के सामने, बीएमसी कार्यालय है, और कुछ समय पहले ही सतीश ठाकुर बहुजन विकास आघाड़ी के युवा नेता आमदार की का फॉर्म भरने अंदर गए हैं। बाहर हजारों की तादाद में कार्यकर्ता हैं, माजी नगर सेवक हैं और माजी पदाधिकारी हैं, तमाम मुद्दे हैं। इस बार विधानसभा 132 काफ़ी टक्कर वाला होगा, क्योंकि इस बार यहां पे कई विपक्षी खड़े हुए हैं और सभी का ये दावा है कि इस बार हम सतीश ठाकुर को हराएंगे, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी ने कोई विकास नहीं किया है। सर नमस्कार, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, जो विकास का मुद्दा है लगातार गर्माते जा रहा है, क्या कहेंगे आप? आप देख रहे हैं कि 95 से लेके अभी तक 2024 तक विकास का मुद्दा ही लेके विरोधक बात कर रहे हैं, कौन सा विकास नहीं? सत्ता आपके हाथ में, सत्ता है तो हमारे युवा आमदार ने कहा ना कि फेस टू फेस बैठिए, कौन सा विकास आप आंसर कीजिए, हम उसके क्वेश्चन देते हैं, लेकिन कोई बैठने को तैयार नहीं, वो खुला चैलेंज कर रहे, आरोप कर रहे हो तो उसका आरोप का उत्तर देने को हम लोग तैयार है ना। और विरोधक ने बोला ना, कौन सा विकास किया है? आज जिस तरह से जनसंख्या यहाँ वसई तालुक में बढ़ी है, उस तरह से पानी की समस्या दूर करके करके पानी MLD लेके आए हैं, फ्लाईओवर का जो विकास काम चल रहा है वो भी बहुजन विकास आड़े के माध्यम से हो रहा है। सर बात सही नहीं, आप बता रहे हैं विपक्षी ने कहाँ विकास किया, तो विपक्षी के हाथ में सत्ता आएगा तो विकास करेंगे, सत्ता आपके हाथ में। सर दूसरी बात, वसई विरार में जो समस्याएँ हैं, पानी, रास्ता, लाइट, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो वहीं रुका हुआ है। देखिए, आप कह रहे हैं कि सत्ता, तीन आमदार पूरे महाराष्ट्र राज्य नहीं चला रहे कि केंद्र नहीं चला रहे, विराट चला रहे, वसई विराट चला रहे थे, एक छोटी सी महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका 3,000-4,000 करोड़ वाली महानगर पालिका है, उधर की दुर्दशा क्या है वो बताए ना, उंगली मेरे तब एक कर रहे हैं। छोटी सी महानगर पालिका में लगभग 20 लाख के ऊपर की आबादी है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मैंने कुछ फंक्शन रख दिया और मैंने 1500 आदमी का अगर न्योता दिया और वहाँ अचानक में 20,000 आई, तो एक दिन में अपनी तकलीफ बहुत दूर होती कि कैसे हो जाए। जिस तरह से जो जनसंख्या बढ़ी है, तो हमारे नेता ने कभी नहीं कहा कि ये जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है? जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है, इसे हमने नहीं कह रहे कि जनसंख्या बढ़ रही, जो आ रहे हैं हमारे हैं, हम ये विरोध नहीं कर रहे कि अन्य राज्य से कहाँ से आ रहे तो हमारे राज्य में नहीं रहे, उनकी सुविधा करने के लिए हम टप्पे टप्पे से प्रतिबंधक है। हमारे नेता लोकनेता हितेंद्र ठाकुर है, युवा आमदार है या राजेश पाटिल या हमारे बहुजन विकास आघाड़ी, पूरी टीम जमीन स्तर से काम कर रही है और जितने भी है हमारे कार्यकर्ते वो जमीन स्तर से काम कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं अभी कहा कि एक उंगली करेंगे तो तीन उंगली अपने तरफ ही होती है। विरोधक का ही काम, अच्छा काम कभी बोले विरोधक कि अच्छा काम हमारे नेता ने किया है, अच्छे काम कोई नहीं बोल रहा है। आज कहने की बात है कि हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर ने कहा है कि 7 फ्लाईओवर वसई गांव नालासोपारा से निर्मल, विरार से अरनाला, जो कॉन्क्रीटकरण का रोड का काम है, ब्रिज का काम है, तो जहाँ आप कहते ना कि समस्या बढ़ती है, जनसंख्या तो आबादी बढ़ती है, तो विकास काम भी आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ते रहता है। और हम लोग को आशा है कि हमारे नेता जो आज इतने साल से विकास का काम कर रहे हैं, आगे भी विकास का काम, और एक में वैसा तालुका जिला रहेगा कि आने वाले कार्यकाल में उसकी सबक पूरे जिले में नहीं, पालघर में देखेंगे कि देखा जाए कि वसई विरार शहर महानगर पालिका कैसी है। सर मैं आप सवाल करूँगा, यहाँ दिखाइए, इस बार बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ कई लोग खड़े हैं, महाविकास आघाड़ी से यहाँ पे टिकट दिया गया है कांग्रेस के नेता को संदीप पांडे को, और बीजेपी से राजन नाईक है,
और प्रहार जनशक्ति पार्टी से धनंजय गावड़े सामने आए। इस बार सब मिल के सतीश ठाकुर को हराना चाहते हैं और इस जो सीट 132 है वो लेना चाहते हैं। क्या लगता है कौन सी ऐसी कमी रह गई 5 सालों में कि हर कोई सतीश ठाकुर पे हावी हो रहा है? अब देखिए, उनको 35 साल से बहुजन विकास अघाड़ी को हराने के लिए प्रयास तो चल रहे, उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है, ना उन्होंने कोई विकास के काम किए हैं। कैसे विकास करेंगे, सत्ता किसके हाथ में? तो जनता जनार्दन चाहती है कि हितेंद्र ठाकुर जी राज करे। हाँ। ठाकुर साहब, हमारे हितेंद्र ठाकुर साहब जो बोलते हैं वो काम करते हैं और जो नहीं बोलते वो भी करके दिखाते हैं, तो आप उनके चक्कर में क्यों गिरे हो? कोई नहीं है ठाकुर के चक्कर में, आमदार यहाँ पे वही है, तो पूरी जनता, जो जनता जिनको वोट देगी उनके चक्कर में पड़ेगी ना, जिनको वोट नहीं देगी, जिन्हें जिनके नहीं लाए चक्कर में कैसे पड़ेगी? तो हमारे आमदार हैं, वसीम विरार के आमदार हैं, तो उनके चक्कर में हर कोई रहेगा। मुद्दा है विकास का कि यहाँ जो विकास नहीं हुआ है, जो समस्या अभी रुकी हुई है, पानी का मुद्दा भी रुका हुआ है, कभी कोई रैली निकालता है, कभी कोई मोर्चा निकालता है, 35 साल की सत्ता होने के बाद, 30 साल की सत्ता होने के बाद ये पानी का जो मुद्दा है अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? देखिए, अपनी महानगर पालिका एक ऐसी महानगर पालिका है जिसने खुद डैम खरीदा है, सब बराबर चल रहा था, जब से ये कोविड आया महानगर पालिका में हमारे नगर सेवक नहीं है, उनका टर्म खत्म हो गया। टर्म खत्म होने के बाद ये जो अधिकारी है, ठाकुर साहब ने पानी तो इतना लाया है कि डे नाइट पानी चले, लेकिन उसका सब जो नियोजन है वो भी नहीं कर पा रही है प्रशासन। प्रशासन किसकी है? बोलते पानी मेल आया, तो यही तो प्रशासन, यही प्रशासन का गेम है। नागरिकों को तकलीफ दो, आप मेरा सुन लो या आप बोलो, सुनिए ना, सुनिए ना, बात सुन लीजिए। सुदेश चौधरी 2 घंटे के लिए कॉक खोलते हैं, पानी आता है, पानी बंद हो गया, आखिर पानी कौन लाया है? और पानी आया भी नहीं, सबको मालूम है हितेंद्र ठाकुर जी ने पानी लाया है, 32 कोटि पानी की योजना लाई, बाद में डैम से भी पानी आया, डैम खरीदा भी गया, लेकिन अभी जो नियोजन है ये हमारे विरोधक जो है ये खुद से पानी टाइम पे नहीं छोड़ना, नागरिकों को तकलीफ देना, और ये सिर्फ बहुजन के नगर सेवक नहीं है, उस लॉबी पर या कॉरपोरेटर नहीं है नगर पालिके में, इसलिए ये जो अधिकारी है अपनी मनमानी करते हैं, और जनता को तकलीफ देना और बहुजन का नाम खराब करना यही इनका काम है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं ना, पानी क्यों नहीं है? इसके पहले पानी कैसा था? कोई जॉब कोविड के बाद पानी गायब हो गया क्या? मनीष जी, पानी की समस्या आज की नहीं है, 90 समस्या पानी की है। पहले लोग बाड़ू से जाके पानी लेके आते थे, आपके चंदन सार से, आपके नारंगी। हाँ, 2 रुपए अंडा पानी मिलता था, आज लाना पड़ता है कि आज आपने लाई हूँ बहुजन की गंगा, घर घर में पानी है। आपने बोला कि सत्ता हमारी है, ठीक है, 30-35 साल से, ये बताइए कि पब्लिक से, मतदान से बड़ा कोई वो है? चुन के क्यों दे रही है? ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन है ना, क्यों नहीं है? कौन नहीं, बहुत ऑप्शन थे, हर विधानसभा में सब खड़े हो रहे। और रही बात जवाबदारी, केंद्र में बीजेपी के सांसद है, उन्होंने क्या किया अभी तक? उन्होंने क्या लाया यहाँ पे? उन्होंने हर इलेक्शन में पानी लाइट वो रोक करते हैं। आपने बोला सुदेश चौधरी का नाम लिया, पहले तो वही गुनगान देते हैं अप्पा के बने, अभी वो वहाँ गए तो पानी बंद हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है बंद? और पानी ये की समस्या हमारे अप्पा का काम नहीं है, पब्लिक को, पब्लिक वो बैठ के 24 घंटा बोलते हैं पब्लिक का काम करो। केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, वो राजनीति करते हैं। 4 साल, 4.5 साल, 5 साल बोर बार पानी आ रहा है, उसके बाद पानी क्यों नहीं आ रहा है? आप क्या कहेंगे सर? हम 4 पीढ़ियों से विराट में रहते हैं, इसके लिए यहाँ पे आसपास में वसई तालुका वगैरह में क्या समस्याएं पहले थी और आज क्या है? विकास हुआ है, देखिए बता रहा हूँ, बात सुनिए, विकास, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, विकास हुआ है, हाँ। लेकिन कुछ चीजें रह गई है जो नहीं। देखिए क्या है कि निरंतर जब परिवार बढ़ता है, जब लोगों की संख्या बढ़ती है, तो कुछ ना कुछ बाकी रहता है और रोज काम चालू है। जैसे अभी एक भाई साहब ने बोला 12 ब्रिज का काम हुआ था, जिसमें 7 ब्रिज पास हुआ है, 4 अपना ओवर ब्रिज पास हुआ है, बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको 1.5 साल में अप्पा के माध्यम से। कितने का बजट है जो पास हुआ है, जो ब्रिज पास हुआ है, कम डेवलपमेंट यहाँ पे के लिए फंड पास हुआ, कितने करोड़ का है? कम से कम 50,000 करोड़ का जो है पास हो चुका है। बीच में जो है अपने क्या बोलते हैं परिवहन मंत्री आए, परिवहन मंत्री जी आए हुए थे, तभी भी 600 करोड़ पास हुआ, जो कि आपको घोड़बंदर से तलासरी तक कंक्रीट का काम दिख रहा होगा। रह गई बात पानी की, तो आपने सही कहा कि 1990 के पहले लोग बावड़ियों से पानी भरते थे, आज बावड़ियां बंद कर दी गई है। खुद मेरे बाबा जी ने 3 बावड़ी खुदवाया था विरार के अंदर, क्योंकि पानी की समस्या थी। बात मानते हैं ना, 90 के पहले विकास, अप्पा आने के पहले, हाँ विकास हुआ है ना, पानी आया है, बावड़ी में लोग जाते थे, हाँ नल घर तक आ गया, हाँ। लेकिन जो पानी की समस्या है, पानी कम हो रहा है, वो पूर्ति पूरा कैसा है? पानी भी आ चुका है, आपको मालूम है कि 4 महीने बताइए, मैं
वो मुद्दा मेन मुद्दा यही है, 4 महीना पहले आज 10 साल से कोई पानी ला रहा है जिसको यहाँ का भगीरथ कहा जाता है, और मैं 4 महीना पहले उठूँ लोगों में भ्रम फैला के और मोर्चा निकालू बाद में बोलूँ मैं लाया मैं, यही हो रहा है। बात समझ रहे, भ्रम किसने फैलाया? जो आपने अभी जिसका नाम लिया, जो विरोधी पार्टियां है वही भ्रम, एक मिनट, वही भ्रम फैलाती है और कोई नहीं फैलाता है। तो ये जो काम है पानी वाला वो कम से कम 10-12 साल पहले का है, जिसमें तमाम तरह के अपना क्या बोलता हूँ अप्रूवल लेना पड़ता है, तमाम तरह का तकनीकी प्रॉब्लम रहता है जिसको सॉल्व करके अब पानी आ चुका है। जूना लाइन कैंसिल करके नए लाइन का काम चालू है, जल्द ही जल्द सब जगह अफरात पानी होगा। जी जी सर, आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, जो विपक्षी हैं संजय गावड़े हो गए, राजन नाइक हो गए, तमाम लोग जो भी हैं, तो उनका दावा है 132 सीट कमज़ोर हो गई है, ब्रजेश ठाकुर ज़्यादा लोगों से नहीं मिले हैं, तो लोकप्रियता कहीं कम हुई है, क्या लगता है आपको कि इस बार कितने वोटों से जीत के आएंगे? देखिए, आने वाले 20 तारीख के बाद हमारे युवा आमदार सतीश ठाकुर ये 50,000+ की मतों से चुन के आएंगे, क्योंकि इन्होंने जब दावा किया है कि सतीश ठाकुर मिलते नहीं है, कि दिखते नहीं है, 5 साल गायब रहते हैं, इन्होंने कहे ना कब गायब रहते हैं, कौन से कार्य में, कौन से गायब रहते हैं, नहीं नहीं उनका आरोप है ना। हाँ। तो मैं उनके आरोप को खंडन करके बोलता कह रहा हूँ ना, सुख दुख में जहाँ भी आप उनको बुलाए, आप पत्रकार, आप जाते हर जगह उनको देखते हैं, सुख दुख में रहते हैं। आप कहते कि जब हम ऑफिस में रहते तो 24 घंटा नागरिक से मिलते, कभी विधानसभा में रहे या कुछ कार्यक्रम में रहे तो हम नहीं मिलते। आप कौन से भी कार्यक्रम में उनको बुलाए या सुख दुख में बुलाए, वहाँ हमारे लोक नेता नितिन ठाकुर, सतीश ठाकुर ये वहाँ उपस्थित रहते। जीत के बाद वसी विरार में, विरार नाजपारा में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए, ये आखिरी सवाल था बस, ये हमारे युवा आमदार सतीश ठाकुर का एक विज़न है कि यहाँ एक अच्छा बड़ा स्पोर्ट्स क्लब हो जाए, कि यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे जो बाहर जा रहे हैं बम्बई में, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज हो जाए, कि यहाँ के हमारे बच्चे लोग को बाहर ना जाना पड़े, उनकी सोच आगे तक चल रही है और उसके ऊपर वो प्रयास कर रहे हैं, और वो आने वाले विधानसभा के बाद या होने के बाद यहाँ एक अच्छा आपको रीजन मिलेगा, और वो टाइम पे मैं दिल खुश से आपसे बाइट दूंगा कि आपको कहूँगा कि ये हुआ है। जी धन्यवाद सर, थैंक यू। तमाम मुद्दे हैं, अभी कुछ ही समय बाद सतीश ठाकुर यहाँ से फॉर्म भर के निकलेंगे, विरार पश्चिम बीएमसी कार्यालय से बाहर निकलेंगे, और तमाम मुद्दे हैं, तमाम आरोप है, जनता कई सवाल है, लेकिन फिलहाल फॉर्म भरने के बाद अपनी तैयारी में जुट जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे, लोगों से मिलेंगे, और जो उनकी शिकायत है उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या जनता इन्हें चुन के लाती है या फिर बदलाव करती है।